नमस्कार, मैं हूं विभूति और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे गांजा तस्करों के बारे में। वैसे तो छत्तीसगढ़ को नशा मुक्ति प्रदेश सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ नशा मुक्त हो सके। छत्तीसगढ़ में आए दिन नशीली पदार्थ वाली चीजें जब्त की जाती हैं। ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर से आया है। पुलिस ने राजधानी बस स्टैंड में कहीं जाने की फिराक में बस का इंतजार कर रहे एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। आरोपी के पास 3 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया। आरोपी के विरुद्ध थाना देवेंद्र नगर में धारा 20B नारकोटिक्स एक्ट के अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई किया गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम कंधा धमाल ओडिशा निवासी चंद्रशेखर दिगल होना बताया। उसकी तलाशी में बैग के अंदर मादक पदार्थ गांजा पाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 किलो 100 ग्राम गांजा और एक मोबाइल फोन जुमला 25,000 रुपए जब्त किया। आरोपी के विरुद्ध देवेंद्र नगर थाना में नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की गई।